नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल किंग क्रॉफ्ट फिडेलिटी में। और आज हम सीखेंगे हाउ टू रिमूव अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फॉर द पासवर्ड। इट मीन्स कि कैसे किसी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ से उसके पासवर्ड को रिमूव करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक पीडीएफ है जिसे हम क्लिक करेंगे। डबल क्लिक किया यहाँ पर हमने, अब ये पीडीएफ ओपन होके सामने आपके आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो पासवर्ड अब हम यहाँ डालेंगे तभी ये पीडीएफ ओपन होगा। तो इसी पासवर्ड को रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपने इस गूगल क्रोम पर जाइए, सामने यहाँ पर गूगल क्रोम है, आपको ओपन करना है गूगल क्रोम। और यहाँ पर आप यूआरएल पे गूगल टाइप कर सकते हैं। गूगल के अंदर जाकर आपको ये www.qtpdf.com ओपन करना है, या डायरेक्टली किसी भी क्रोम में या फिर फायरफॉक्स में आप डाल के www.qtpdfwriter.com या फिर pdf.com डाल के इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन होके आएगी जहां पर आप देख सकते हैं फ्री में ये आपको एक सॉफ्टवेयर देगा जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए। और आप यहां देख सकते हैं कुछ MB का है, 1.56 MB का है। तो इसे डाउनलोड करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड कर लीजिए। और नॉर्मली अपने सिस्टम पे जैसे दूसरे अदर्स सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल कर लीजिए। अब हम इसे करते हैं यहाँ से बंद, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में जाएगा, डाउनलोड में ये नॉर्मली आता है। तो ये रहा वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ओपन करके इसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इसे अब हम बंद करते हैं। तो ये रहा हमारा पीडीएफ। अब सबसे पहले इस पीडीएफ को हमें देखना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ओपन करेंगे किसी भी ब्राउजर पर। इट मीन्स कि जैसे आपके सिस्टम पे क्रोम है तो क्रोम पे, या फिर फायरफॉक्स पे, या किसी भी ब्राउजर पे आप इसको ओपन कर लीजिए। मेरे सिस्टम पे अभी क्रोम है, ये देखिए, तो मैं क्रोम पर ओपन करता हूँ। क्रोम पे ये ओपन हो गया, यहाँ पर भी पासवर्ड ये मांगेगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम एक बार पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया और सबमिट कर दिया। तो यहां पर जैसे ही यूआरएल पे आप फर्स्ट टाइम यूआरएल पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालेंगे तो प्रोटेक्टेड होगा और हमें फर्स्ट टाइम यहां पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये सारे देखिए आपके पास फाइल यहां पर यूआरएल पे ओपन होके आपके सामने आ गई है, ठीक है। तो अब हमें यहां पर जाना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रिंटर, जैसे प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। आपके सामने ये एक विजार्ड खुल के आता है प्रिंटिंग के लिए, हमें यहाँ पर चेंज करना है। चेंज करके क्यूट पीडीएफ राइटर पे क्लिक करना है और प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, प्रोसेस करेगा और थोड़ा सा टाइम मांगेगा और लोकेशन आपसे बोलेगा कि कहाँ पर सेव करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही ये एक विजार्ड आपके सामने खुल के आ गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस विजार्ड पे आपको जाना है और आपको लोकेशन अपना देना है कि कहाँ पर हमें डेस्कटॉप पे, जैसे यहाँ पर आप लोकेशन दे सकते हो कि कहाँ पर सेव करना है। तो मैंने यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और डेस्कटॉप का लोकेशन मैंने दे दिया है, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप पे इसे सेव करना है और यहाँ पर जाकर हमें सेव की बटन प्रेस कर देना है। हमने सेव का बटन को प्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसे आप मिनिमाइज कीजिए और ये देखिए एक दूसरी फाइल आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरी फाइल सेव होके आ गई है। अब इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके देख सकते हैं और सेम पीडीएफ फाइल ये कुछ प्रोसेस कर रहा है, इसे आप ओपन कर लीजिए। कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। हमने फिर से ओपन किया तो ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो इसे होना करने दीजिए और थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इसके होने के बाद आपके पास ये पीडीएफ सेव होके आ गई है। अब इसको आप बंद कीजिए, दोबारा ओपन कीजिए,
वो पासवर्ड नहीं मांगेगा जो फर्स्ट टाइम आपसे मांग रहा था। इसे कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ये हमारी पहली पीडीएफ है, देख सकते हैं यहाँ पर, और ये पासवर्ड विदाउट पासवर्ड है, इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन है और इसमें नहीं है। तो ये एक छोटी सी यूटिलिटी आज मैंने आपको बताई, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।